तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश बड़ूजर और इस वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम देखने वाले हैं कि एसटीआर का यूज क्या होता है, वो कैसे काम करता है और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी देखने वाले हैं। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया नहीं था एसटीआर क्या काम करता है, तो इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं ये बताने वाला हूँ। तो देखिए, तो ये जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने दोनों सेम ही लिखा है, सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन नहीं है। तो ये भी सेम 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 दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं, यहाँ पे माइनस साइन है। तो अभी आप फर्क देखोगे, वो इतनी जगह पे यहाँ पे आपको फर्क दिखने वाला है। तो अभी हम इसको रन करते हैं, तो इससे आपको एसटीआर का मतलब पता चल जाएगा। ये अभी क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसोल डॉट रीड की फंक्शन कॉल ही नहीं किया था। तो हमने कॉल किया, रन किया, मतलब तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने जो लिखा था, तो यहाँ पे इतना तो सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये गैप छूटा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक स्पेस छूटा हुआ है और या उस स्पेस में यहाँ पे माइनस साइन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मतलब एक स्पेस छूटा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं छूटा है क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन नहीं। अगर मैं यहाँ पे प्लस साइन लगाता हूँ तो ये स्पेस गायब हो जाएगा। अगर आप सोचते हो कि ये स्पेस वहां पे ऑटोमेटिक आ गया है, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे, चलो फिर आपके सहमति से मैं यहाँ पे आपको प्लस डाल के दिखाता हूँ, तब ये स्पेस नहीं रहेगा। देखिए, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, प्लस डाला हमने, देखिए अभी प्लस के सहारे कर रहे हैं हम। तो रन किया, तो देखिए देखिए अभी प्लस डालने के बाद, देखिए 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 प्लस तो कुछ जरूरत नहीं रहती ना प्लस की, तो इसलिए वो आता नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, प्लस के लिए भी वही आ रहा है। अगर हम यहाँ पे समझो माइनस डालते हैं, चलो अभी आपके ख्याल से मैं माइनस डालता हूँ, तो यहाँ पे भी माइनस कर लूँ क्या, चलो कर लेता हूँ। तो सेव किया, रन किया, तो देखिए अभी स्पेस है क्या, नहीं है। देखिए 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 स्पेस नहीं है। तो ये है यूज ऑफ एसटीआर। तो एसटीआर का यूज ये होता है, बराबर, समझ में आ गया। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे स्ट्रिंग, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अरिथमेटिक ऑपरेटर के पास। तो सबसे पहले अभी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है, कैसे है, क्या क्या कर सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, dim a as, अभी हम डायरेक्ट शॉर्टकट लेंगे a b कॉमा c as इंटीजर, तो ये ले लिया शॉर्टकट में। इंसान ने हमेशा शॉर्टकट ही यूज करना चाहिए। तो अभी हमको यूजर से वैल्यू इनपुट करानी है, तो क्या करेंगे अभी हम, पहले तो उसको हम मैसेज दे देंगे। तो लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, किधर गया राइट लाइन, यहाँ पे अभी हम लिखेंगे एंटर, क्या एंटर, क्या एंटर नंबर्स, इतने टू टी डब्ल्यू और यार हो गया, ये हो गया। तो इसके बाद अभी हम लिखेंगे इनपुट कैसे लेना है। तो a इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, ऐसा ही b इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन हो गया, और c इज इक्वल टू a प्लस b हो गया। तो अभी हमको इसको दिखाना है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पे दिखाएंगे अभी हम, आंसर इज क्या है, एड्रेस ऑफ c हो गया, बराबर।
तो हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर करना है, तो अभी हम शॉर्टकट यूज करना सीखो भाया, इसको कॉपी करो, नीचे आओ एंटर मारो, कॉपी करो नीचे आओ एंटर मारो, ऐसा तीन चार ले लेने का। फिर यहाँ पे क्या करने का, प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह अभी यहाँ पे भी माइनस हो गया, अभी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो उसके बाद में हम डिवीजन करेंगे, तो उसके बाद में मॉड्यूलो भी होता है ना हमारा, तो हम मॉड्यूलो भी यूज़ करेंगे ना भाई। तो ये हो गया, तो मॉड्यूलो के लिए हम हम क्या बोलते सी सी पी में ये साइन यूज करते थे, तो यहाँ पे ये साइन नहीं है, तो यहाँ पे हमें हमको सीधा लिखना होगा मॉड, तो ऐसा हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इंटर टू नंबर का ऑप्शन लिया ही नहीं, फिर से एक बार मेरे को कॉपी करना पड़ेगा डबल हमारी, देखिए देखिए डबल हमारी, देखिए तो ये हो गया। तो मैंने क्या तीन लाइन का चार लाइन का कोड लिखा था, उसको ही कॉपी पेस्ट करके और प्लस माइनस यहाँ पे डाल लिया, तो ये हो गया हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन का प्रोग्राम। तो सेव करते हैं, प्लस करते हैं, इसको ही कैलकुलेटर का प्रोग्राम भी कहते हैं। एंटर टू नंबर्स फॉर, अभी वो आप डाल लेने का टेंशन नहीं लेने का, 5 और 5 डाला मैंने, देखो 10 हो गया, अभी माइनस का होगा शायद, और 6 और 3 लिया तो 3 आ गया बराबर। अगर अभी तो ये थोड़ा ये एंटर टू नंबर जो है ना ये ऊपर हो गया, इसको नीचे डालना था, तो यहाँ पे लिखना 6 और 7, देखो 7 से कम 42 हो गया, तो फिर से ये गलत हो गया वहाँ पे लिखा हुआ, तो देखिए ये 11 आ गया, क्या होगा शायद ये भागाकार होगा, और अभी यहाँ पे मॉड्यूल आएगा कुछ तो भी हो गया। एक मिनट फिर से मैं इसको करता हूँ, जो हमसे गलतियाँ हुई है मतलब घई घई में ऐसी ही गलतियाँ होती है, कृपया करके आप ऐसी गलतियाँ ना करो तो अच्छा है, मतलब सीखते रहो लेकिन गलतियाँ मत करो भाई, क्योंकि गलतियों को सुधारना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उससे अच्छा आप गलती ही ना करो तो टेंशन की कोई बात नहीं होती बराबर। तो देखिए ये हो गया इतना, तो यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं ना भाई, नहीं प्रॉब्लम, तो रन करेंगे F5 प्रेस करके, तो देखिए एंटर टू नंबर 5 एंड 5, देखिए 10 हो गया 5 एंड 5, 0 हो गया 5 एंड 5, देखा 5 5 5 5 हो गया 5 डिवाइडेड 5 5 1 हो गया, और 5 मॉड्यूलो 5 क्या हो गया 10 आ गया। देखिए बहुत ही सिंपल कोड था, और इस कोड को देखने के लिए बहुत बहुत आभारी आपके। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, आज जर तुमले हा वीडियो लेक्चर आवडन हुई तर धन्यवाद, आणि तुमले आवडन हुई तर याले त्याले शेअर बी म्हणजे सांगे त्या या दग बो म्हणा पोर एकदम भारी सांग आंगस म्हणा असं तर सांगे त्या भाऊ जरा काय आडे वडाला येण्या। चला मग इस वीडियो में इतना ही, थँक्यू, धन्यवाद।